भारत और चीन की आपसी कारोबार में संतुलन कायम करने के लिए देश में ज्यादा चीनी निवेश की जरूरत है। विदेश मंत्री वांगी से हुई सुषमा स्वराज की प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में यह मुद्दा छाया रहा। दो दिनों के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री बतौर चीनी राष्ट्रपति के विशेष दूत सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री का दिल्ली में रविवार को गर्मजोशी से स्वागत किया। ये पहला मौका है जब बीजिंग के बड़े नेता भारत की नई सरकार से मुखातिब हुए। 3 घंटे से ज्यादा चली बातचीत में नई मोदी सरकार और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को एक दूसरे को समझने और आगे बातचीत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का मौका मिला। We could say that the talks were cordial, useful, productive and substantive. Even while there was a determination to add new content and substance to the relations, there was an understanding that respect for sensitivities and aspirations of each other was essential for expansion of bilateral relations. इस मुलाकात में सभी अहम द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया। इनमें अहम रहे दोनों मुल्कों के पीएम राष्ट्रपति समेत शीर्ष नेताओं के बीच इस साल मुलाकात, सीमा विवाद और उस पर विशेष दूतों के स्तर पर जारी रहने वाली बातचीत, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपसी सहयोग, अफगानिस्तान पाकिस्तान इलाके में सुरक्षा की चुनौतियां, दक्षिण चीन समुद्र और ईस्ट चाइना सी में चीन के जापान, फिलीपींस, अमेरिका जैसे मुल्कों से विवाद, भारत ने कश्मीर और अरुणाचल के लोगों को नत्थी वीजा देने की चीन की नीति पर भी चिंता जाहिर की। द इंडियन पोजीशन इज वेरी क्लियरली लेड आउट दैट ऑल इश्यूज ऑफ अ पेरिनियल नेचर वर रेज्ड एज पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर टुडे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाज वेरी कैंडिड एंड फोर्थराइट इन रेजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज and this was understood very clearly and by our interlocutors on the other side. बातचीत में आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर खास चर्चा हुई। 2015 तक आपसी कारोबार को $100 बिलियन पहुंचाने का टारगेट है। हालांकि भारत चीन से ज्यादा आयात करता है और निर्यात काफी कम, जिसकी वजह से लगभग $40 बिलियन का वित्तीय असंतुलन है, जिसमें सुधार की बात सुषमा स्वराज ने वांगी से की। One of the ways to correct a trade imbalance is for that country to invest in India. Mrs. Sushma Swaraj did talk about Chinese investment into India and how to promote Chinese investment into India, including through possible industrial zones or industrial parks that could be established here. चीनी राष्ट्रपति के विशेष दूत के तौर पर भारत आए वांगी ने सुषमा और मोदी को बीजिंग दौरे का न्योता भी दिया। वहीं भारत ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत दौरे का निमंत्रण दिया। अब सोमवार शाम को नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वांगी रिश्तों की नई जमीन को और पक्का करने की कोशिश करेंगे। पहले पीएम नरेंद्र मोदी से चीन के पीएम की 25 मिनट तक फोन पर बातचीत और 2 हफ्तों के अंदर ही अब विदेश मंत्रियों के बीच लगभग 3.25 घंटे तक चली मुलाकात। साफ है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को तय करेगा उनकी आर्थिक नीति। यही वजह है कि तमाम सीमा विवादों के बीच चीन की चुनौती से जूझने के लिए बीजिंग के साथ ज्यादा कारोबार पर जोर दिया जा रहा है। बीजे कमलदेव के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7।